I look at you and it's easy to see. You are the sun. Good morning guys, welcome to the channel. So today is day 3 of national camp and मैं morning training के लिए पहुँच गई हूँ. Late उठी थी आज मैं, but still I made it on time. Maybe the जो बच्चों के आ गए हैं. तो guys मैं आपको morning training के बाद मिलती हूँ. शक्ल ऐसे इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें पता है मुझसे सुबह उठा नहीं जाता. चलो I'll see you. पी लो पानी मेरे बच्चे. सुल्तान गाइस ये देखो, ये है अंबाला बस स्टैंड की हालत और आप देख रहे हो एनिमल्स की क्या हालत है यहाँ पर. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बस स्टैंड के एनिमल्स की हालत है, ये मैं अब तक जितना भी अंबाला घूम रही हूँ ना, जानवर ऐसे भूखे पड़े हुए हैं. लाइक कितनों को खिलाएंगे, लोग इतने इग्नोरेंट हैं इनको लेके. मतलब अगर कुत्ता ऐसे हड्डियाँ दिख रही है डॉग्स की, इतने जैसे 2-4 दिन से उन्होंने कुछ खाया ना हो. मेरा बड़ा मन दुखी हो रहा है यहाँ पर. तो अभी क्या हुआ, जहाँ हम स्टेडियम जाते हैं ना, अभी तो ट्रेनिंग के बाद मैं आ गई, मैं जूस पी रही हूँ. तो जहाँ पे हम सुबह ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर एक डॉग है नेम्ड सुल्तान. तो उस 3 दिन से ना मैं देख रही थी कि उस वो जहाँ पे बैठा हुआ था ना, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं. तो एक मिनट रुको, मैं ना रूम पे जाके बताती हूँ तुम्हें बात. अभी मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, अरे जूस पी लो ठीक है, रूम पे जाके बताती हूँ. तो गाइज मैंने चेंज कर लिया है, नहा के मैंने अब छत पे आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए. रात को भी आई थी यहाँ पे. मैं कपड़े सुखा लेती हूँ उसके बाद आपसे बात करती हूँ. हाँ तो गाइज मैं यही बैठ गई, बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर, अच्छी हवा लग रही है. तो जो स्टेडियम पे डॉग है जिसका नाम सुल्तान है, वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे मैंने उनसे पूछा कि ये डॉग किसका है. तो उनको यही नहीं पता कि एक्चुअल में डॉग है किसका. 3 दिन से डॉग एक ही जगह पे बंधा हुआ है, ना वहाँ पर पानी है और मुझे नहीं पता उसको खाना कब देते और कैसे देते. वहाँ पर कोई साइन नहीं था कि उस बच्चे ने कुछ खाना खाया नहीं. बच्चा है भी यंग और उसकी मेरे को हालत भी नहीं ठीक लग रही. आई थिंक उसके पेट में वॉर्म्स भी है. 2-3 बार कहने के बाद भी उस बंदे ने उठ के उसको पानी नहीं दिया. तो मैंने खुद जाके उसका, वहाँ पर एक डोंगा पड़ा था, उसको धोया और उसमें पानी भरा. इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मतलब पाल लेते हैं स्टेटस के लिए लेकिन क्या बोलूँ मैं. अब करा मैंने अपने यमुनानगर में शेल्टर को कॉल किया कि हम क्या कर सकते हैं इस बारे में. बाकी यहाँ के कुछ जो लोग हैं मैं उनको बोलूँगी इसका ध्यान रखें. बाकी गाइज अंबाला में एनिमल क्रुएल्टी पीक पे है. मुझे नहीं पता, ये बस स्टैंड के पास जो एरिया, बच्चे सारे ऐसे स्टार्व हो रहे, भूखे मर रहे हैं, कोई देखता ही नहीं है. गायें हैं, इतना कूड़े का ढेर है, कूड़े के ढेर पे गायें बैठी है, वहीं वो पॉलीथिन्स खा रही है. लाइक है यहाँ का कुछ, गवर्नमेंट का कुछ हिसाब है या नहीं. बहुत बुरा हाल है. तो गाइज मेरा मन था ये बात शेयर करने का तो मैंने की. अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी जाके, भूख लगने लग गई है. तो चलो पीनट बटर ब्रेड खाते हैं. हे गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ आइस बाथ के लिए एंड पहुँचने वाले हैं हम हॉल में, तो अब लेंगे आइस बाथ. तो गाइस आए थे हम लोग आइस बाथ लेने, बट बट इट टर्न्स आउट कि जो हमारा कैंप है वो आज ख़त्म होता है एंड होपफुली विल बी लीविंग सून फॉर होम. तो अब हम निकलते हैं एंड जाके मैं पैकिंग करती हूँ एंड आई विल सरप्राइज मॉम डेफिनेटली. ओके गर्ल्स बाय बाय, मिलते हैं. बाय ब्रो. बाय. चलो तो राम राम भाई सारे ने. आज है मेरा पहला दिन 75 हार्ड डे चैलेंज. अरे सॉरी, ये तो कुछ ये मैं कहीं और चली गई थी. तो गाइज मैं आ गई थी घर और घर आके मैंने, मम्मी ने मुझे पनीर के परांठे खिलाए और मैं सो गई. लाइक मैं पूरी दोपहर सोई हूँ और अब मैं उठी हूँ एंड अब मम्मी और मैं जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए. बहुत दिन हो गया था, हमने थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया था. तो अभी हम लोग जा रहे हैं एंड देखते हैं बाहर क्या खाएंगे. बाय. Thank you.
तो गाइज हम आए थे ब्रिजवासी के पास गोलगप्पे और टिक्की खाने। अब जा रहे हैं हम लोग जूडियो। मम्मी को बड़ा मज़ा आया खा के। चलो। हे गाइज, तो हम आ गए हैं घर और खा पी के कुछ शॉपिंग करके मम्मी ने मुझे बड़ी प्यारी सी चप्पल दिलाई है। अभी दिखाते हैं, रुको। ये देखो, ये चप्पल दिलाई है मम्मी ने, क्यूट है ना? देख ली चप्पल, आई लव डेट। मुझे कलर बहुत प्यारा लगा, यही चप्पल लेके जाऊंगी मैं सब। एंड आते हुए हम लोग शेल्टर गए थे, एंड शेल्टर से मैं अपने सारे बच्चों से मिल के आई। बहुत खुशी मिली। अब आप देख सकते हो जाने से पहले मेरा कैसा मूड था और अब मेरा कैसा मूड है। बहुत लाइट फील हो रहा है। ब्राउनी से भी मिली, ऑस्कर से मिली, सबसे तो बहुत खुशी हो रही है। अब बस मैं अपनी म्याऊ का वेट कर रही हूँ, कब आएगी उसे मिलूँगी। तो गाइज आप बस मैं शावर लूँगी, उससे पहले मैं आइसिंग करूँगी। तो व्लॉग मैं आज का यही एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत थकावट हो रही है। एंड आइसिंग करने के बाद मैं सो जाऊँगी अच्छा सा डिनर करके। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। एंड अब के आज जो व्लॉग्स आएंगे फ्यूचर में वो आएंगे असम नेशनल्स के, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम कोई व्लॉग मिस ना कर सको। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, राम राम सारे ने, सी या, बाय।